हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मेरे जैसे जितनी भी लेडीज है, जितनी भी मेरी फ्रेंड है, बहन है, उन लोगों से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसी हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, मतलब कि आज मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ है, 35 वीक्स 1 डेज, मतलब 36 वीक्स स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनका 36 वीक्स चलने लगा है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका 37 है, मतलब मेरे से एक वीक पहले है, मतलब आगे है, और कुछ है जो मेरे से एक वीक पीछे हैं। ज़्यादातर इतना ही लोग हैं, मतलब कुछ ज़्यादातर तो लोग मेरे साथ ही है और कुछ आगे और कुछ पीछे है, और उससे भी कम है जो कि 5 और 4 मंथ के हैं। तो आप लोग भी बताया कीजिए, अच्छा लगता है बताते हैं तो, कि कितने मतलब कि वीक सबका चल रहा है। और हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी है कि मतलब कि मेरा ये लास्ट पीरियड डेट ये है तो मेरा कौन सा वीक चल रहा है, लास्ट पीरियड डेट ये है तो मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। सो देखिए, मंथ जोड़ने बहुत आसान है। मंथ जोड़ने में क्या होता है ना कि जो लास्ट पीरियड डेट है उस मंथ को लेकर के आगे जोड़ते चले जाइए। जैसे कि जनवरी आपका लास्ट पीरियड डेट, जनवरी में किसी भी डेट को है तो जनवरी को जोड़ते हुए आप ले चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 4 मंथ पूरा हो गया, और मई मतलब 5वां मंथ चालू है। तो मंथ जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वीक जोड़ने में है ना थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है ना। तो जैसे कि कम से कम 10 भी ऐसा कमेंट रहता ही होगा कि मेरा कितना वीक है। और वो भी क्या होता है ना कि एक बार में, मतलब मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताया कि मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे हाथ में ही फ़ोन हो उस टाइम पे। जैसे कि हो सकता है कि मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, या फिर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं नहीं देखती हूँ, तो उनका कमेंट आता है कि प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए। तो मैं ना नहीं देख पाती हूँ, इसलिए रिप्लाई नहीं देती रहती हूँ। जैसे ही देखती हूँ मैं, वैसे ही रिप्लाई देती हूँ। तो जैसे मुझे ऐसा टाइम मिलता है कि थोड़ा देर के लिए टाइम मिलता है कि हाँ चलो देख लेते हैं किसका किसका कमेंट है, तो जो छोटा मतलब किसी का हल्का रिप्लाई हुआ तो हल्का रिप्लाई तो मैं जल्दी दे देती हूँ। लेकिन वीक का क्या होता है ना कि वो मतलब कि जोड़ना पड़ता है, टाइम थोड़ा लगता है। जैसे जितना देर में हम 4 लोगों का रिप्लाई दे सकते हैं, उतना देर में एक ही वीक वाला का जोड़ना पड़ता है। कुछ काम करके और इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब एक काम नहीं होगा। और डोर मेट सब धोना ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, मतलब लगता है कि हल्का होगा बट जब वो गीला हो जाता है तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, हाथ से धोना नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर सारा मशीन से वॉश हो गया था, लेकिन अचानक से कल जाना है तो 2 ऐसा था जो कि गंदा था, नहीं ले जा सकते थे। एक तो ये, और सामान इधर उधर किए तो उसमें का और गंदा पड़ा है, उस पर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और एक सुबह मीठी उल्टी कर दी थी तो उस पर पड़ गया था, तो वो दोनों धोने में डोरमेट हाथ से साफ करना बहुत हालत ख़राब होता है यार। बैठ करके ऐसे ऐसे उसका हटाओ, फिर मतलब कि धोना बहुत हालत का होता है। और एक तरफ मशीन लगा करके रखी हूँ, और बर्तन सब था, बर्तन सभी धुल गया है। अभी भी 2 वही काम है, एक फ्रिज और एक वही छोटा सा रैक है जिसको साफ़ करूँगी। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो सोचा कि थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ। और ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि तुरंत बाथरूम में जाना पड़ रहा है, बाथरूम साइड में ही वो मशीन भी लगा हुआ है, फिर तुरंत किचन में, और किचन का एक लगातार नहीं ले सकती पूरा एक सूर से, तो इस वजह से पूरा अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बर्तन कहीं दिखाती रह जाऊँगी, 1 घंटा तक तो वही हो गया। और इधर उधर इधर उधर ज़्यादा कर जो काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो पहले वहाँ ट्राइपॉड लगाऊँ, इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा। तो सोचा आकर के बता ही दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ आज के दिन में। सो ऐसे ही, और सोचा था कि बहुत सारा काम करूँ पर अभी भी ज़्यादा, हस्बैंड मना करके गए हैं कि कुछ मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे, मतलब वैसे तो मैं सारा काम कर लूँगा, अगर तुम कुछ कर ली और कुछ मतलब फिर बोलेगी ये दर्द हो रहा है वो दर्द, फिर मैं काम नहीं करूँगा तो उनको ही देखते रह जाऊँगा, तो फिर इसलिए तुम करो हिम्मत, तुम आराम करो। बट मुझे ही ऐसा लग रहा है कि यार जितना हो पा रहा है उतना कर लेते हैं, सिर्फ वही करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए कर लेते हैं, मशीन वो लगाए हुए हैं, वही हो जाएगा तो फिर कपड़ा पसारना होगा। ये देखिए लगभग हो ही गया है, बस अब वो खंगारना है। एक बार धुल गया है तो ये, उसके बाद आज झाड़ू नहीं लगाने वाले हैं सामने क्योंकि अभी कचरा कचरा हो जाएगा, तो कपड़ा डाल दूंगी क्योंकि ये भी सूखना ज़रूरी है। और उसके बाद कपड़ा डालने के बाद, कपड़ा जब तक इधर लग रहा है तब तक मैं वो सब निकाल लेती हूँ फ्रिज का जो भी है धोने के लिए, तो वो सब निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बाद में।
मैं पूरा दिन ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रही हूँ, मतलब कभी कुछ कर रही हूँ तो कभी कुछ कर रही हूँ, जिसमें बहुत कम सूट कर रही हूँ। क्योंकि सूट करने में क्या होता है ना कि मतलब ऐसा तो कर नहीं सकते कि थोड़ा थोड़ा ले और थोड़ा थोड़ा काम करे। जब मैं काम कर रही हूँ तो पूरा काम करते जा रही हूँ और पूरा सूट हो जा रहा है, तो ऐसा में हो रहा है ना कि एक ही काम में बहुत लंबा लंबा सूट हो जा रहा है, तो इस तरह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इस वजह से मैं 2-3 चीज़ों का ही सूट की और पूरा नहीं ली, बट बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा काम है जिसका कोई अंत नहीं होता है। मतलब अगर आप रूम शिफ्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ना, तो काम का कोई अंत नहीं होता है। अभी भी मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ ना, अभी भी मतलब बहुत टाइम निकाल करके मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। और दो दिनों से ऐसा हो रहा है, 2 या 3 दिन समझ लो, 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है ना कि टाइम बहुत कम मिलता है फ़ोन देखने का। मतलब बहुत कम टाइम मिलता है, मैं याद नहीं रहता कि फ़ोन किधर है, और ऊपर से डिस्चार्ज भी हो गया रहता है। जैसे कि आप हमेशा फ़ोन देखते रहते हो तो समय पर चार्ज कर लो, समय पर देखो, ऐसा होता है। पर देख रही हूँ कि अरे 13% 27% चार्ज ऐसा मतलब कि रह रहा है और टिक भी नहीं रहा है। मतलब फ़ोन पर इतना ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, शिफ्ट करने पे यही होता है। देखो वैसे तो मुझे लग रहा है ना कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत बचा के कर रही हूँ, क्योंकि डर है। अभी घर वाले भी नहीं आए हैं यहाँ पे, 9 मंथ भी स्टार्ट हो गया है। और देखो वैसे तो मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, LMP के हिसाब से 9 मंथ मतलब 1 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। बट वीक्स से जैसा बोलते हैं कि 36 वीक्स से 9 मंथ स्टार्ट होता है, मतलब 35 वीक्स तक 8 मंथ रहता है, तो उस हिसाब से मेरा आज से स्टार्ट हुआ है। लेकिन मेरा वैसे तो 1 हफ्ते पहले से ही स्टार्ट है, तो मतलब मैं उसी तरह से जोड़ती थी पहली बार। इस बार मतलब 9 मंथ में मैं वीक से जोड़ रही हूँ, नहीं तो हर बार जो मतलब लिखती थी मैं टाइटल में, तो वो मैं LMP के हिसाब से मंथ बाई मंथ मैं इस तरह से जोड़ती थी, ठीक है ना। तो मतलब जो भी हो, बट 9 मंथ स्टार्ट होने पे थोड़ा सा ज़्यादा डर हो जाता है। और मेरा जैसे कि पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वाटर लेवल का जो बात है, वो तो थोड़ा भी चोट लग जाए या फिर इधर उधर थोड़ा भी अगर गिर जाओ या फिर कुछ हो जाए तो फिर टेंशन वाली बात हो जाएगी। तो बस इसी वजह से मैं बहुत कम काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कर रही हूँ, बहुत ही कर रही हूँ फिर भी, क्योंकि देखिए और कोई तो है नहीं, बस हस्बैंड ही है और कोई है नहीं, तो थोड़ा ना थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और वैसे खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है, खाना के अलावा कुछ ना कुछ मतलब लगा ही हुआ है। तो ये जो है पुराने घर का लास्ट ही ब्लॉग समझो है, क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब जिस दिन आना था उस दिन इसे 1 दिन पहले और उस दिन तक मतलब कुछ कुछ की थी। यहाँ पे मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ और कुछ कुछ चीज़ बाथरूम में साफ़ की थी, तो बाथरूम का मैं नहीं ली, ये थोड़ा ओवर हो जाता, तो इसलिए बाथरूम का मैं रिकॉर्ड नहीं की। और जितना भी डोर मेट वगैरह धोना था और फिर रैक्स वगैरह धोना था, कुछ डब्बा वगैरह धोना था, सोच रही थी कि वहाँ जा कर के धोऊँगी फिर लगाना होगा, इससे अच्छा धोया हुआ रहेगा तो सीधा लगाते जाएंगे। तो वही है, धोया हुआ था तो बहुत अच्छा थोड़ा सा लगा है। यहाँ पे जैसे आ चुकी हूँ आज मैं यहाँ पे, तो जितना भी चीज़ था बस सीधे लगाना है, ये नहीं है कि इसको धोना है उसको धोना है, बहुत इस चीज़ में रिलीफ मिला है। और मतलब कि काम करने में ये है ना कि अभी के टाइम में ज़्यादा झुकने में भी दिक्कत होता है, प्रेशर आ जाता है कभी भी, अगर पेट के नीचे से ऐसा लगता है जैसे घिंच गया तो फिर वहीं पे मुझे स्टॉप ही कर देना होता है, मतलब उसके आगे कदम बढ़ता ही नहीं है, मतलब कर ही नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कमर का तो मतलब समझो मेरा कमर टूट गया है, ऐसा लग रहा है, मतलब पेन होता है इतना कमर में ना, तो डर लग जाता है। क्योंकि मुझे जैसा कि पता है कि लेबर पेन जो होता है, डिलीवरी पेन जो होता है, वो कमर से स्टार्ट होता है और पेट तक आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज मेरा कमर दर्द हो रहा है, तो अगर कमर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमर दर्द हो करके जो घूम कर पेट तक आता है ना, वो डिलीवरी पेन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बस मेरा ना कमर ही दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी तक पूरे 8 मंथ में ना एक बार भी ऐसा दर्द नहीं हुआ था, ऐसा बार बार हो रहा है। और ऐसा लग रहा है पीठ में ऐठन हो जा रहा है, पीठ में ऐसा लग रहा है जैसे कि पकड़ ले रहा है कुछ इस तरह से, मतलब थोड़ा सा भी जैसे कि जिस करवट में मैं सोती हूँ उसके अपोजिट करवट में ऐसे जैसे मेरी बेटी कुछ दिखा रही होती है, कुछ बता रही होती है, उसको देखने के लिए भी अगर घूमती हूँ ना मैं उधर, मतलब करवट लिए हुए मैं ऐसे घूमती हूँ तो लगता है पीठ में कुछ पकड़ लिया,
ऐसा दर्द हो जाता है, फिर डर लगने लगता है, और फिर थोड़ा देर के बाद ठीक होता है। थोड़ा देर ऐसे मतलब मालिश ऐसे ही अपने हाथ से करती हूँ थोड़ा सा, तब जाके तो वो ठीक होता है। ऐसा वाला हो गया है हाल। तो क्या हुआ है ना कि आप जब प्रेगनेंसी के इस टाइम में अगर ज़्यादा काम कर लेते हो तो भी दर्द होता है। डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि आप अगर ज़्यादा काम वाम कर लोगे तो फिर यहाँ पर दर्द होगा, जैसे कि आपका पेट के नीचे का जो एक हड्डी जो वहाँ का होता है वो भी दर्द होने लगता है। तो अभी मेरा वो नहीं दर्द हो रहा है, मेरा कमर ही दर्द हो रहा है, क्योंकि काम हो ही गया ना, मतलब ऐसा लगता है कि काम करना ही है तो मैं इसलिए कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे उतना काम नहीं करना चाहिए जितना मैं कर रही हूँ। तो इस वजह से मेरा कमर ऐसा लग रहा है कि टूट गया है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कभी कभी। कभी कभी डर लगने लगता है कि अरे इसके बाद पेट दर्द तो नहीं होगा ना, क्योंकि 9 मंथ हो जाने पे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो 9 मंथ स्टार्ट होते ही बेबी हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा 9 मंथ स्टार्ट होते ही 1 हफ्ते बाद ही हो गया, और ऐसा होता भी है। तो बस यही डर लगा हुआ रहता है। और ससुराल वाले लोग आने वाले हैं 1 हफ्ते बाद, तो 1 हफ्ते बाद आने वाले हैं ना, अभी तो नहीं आएंगे, या फिर अभी तो कोई है नहीं घर में, तो यही टेंशन है। और बस यही है, लेकिन यही है कि मैं सब लोग, आप लोग बोलते हो ना तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जो सब लोग सजेस्ट करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे फैमिली ही हो, आप लोग मेरे अपने ही हो जो ऐसे बताते हो, और बताते हो तो मेरा आधा दुख वैसे ही दूर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ और लगभग सबका रिप्लाई देती हूँ, लगभग नहीं, मैं हर एक का रिप्लाई ही देती हूँ। बस कभी अगर किसी का छूटा होगा जो आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो आपने नहीं दिया, तो वो गलती से छूटा होगा, लेकिन मैं सबका देती ही देती हूँ। अभी ऐसे ही बेचैनी में दिन कट रहा है। आप लोगों का दिन कैसा कट रहा है ज़रूर बताइएगा, सब लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आफ्टर डिलीवरी भी आप लोग मेरा वीडियो देख पाओ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाओ। सो मेरा तो ऐसे ही अभी चल रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब लोग कमेंट कीजिएगा, और सब लोग जितने भी न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो होते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम, 12 या 13 ऐसे बढ़ते हैं। सो प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शाम हो चुका है पर मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो सोचे कि पहले चाय पी लेती हूँ, सांस दिखाई हूँ और चाय पी लूँगी, उसके बाद वीडियो अपलोड करना है, और वीडियो अपलोड करने के बाद फिर से काम में लगने वाली हूँ। जो बचा हुआ है अभी, पानी इधर उधर नहीं है, बाथरूम में पानी है, तो मैं कुछ धोने के लिए जो बचा हुआ है जैसे कि राइट मैंने बोला था, तो वो बाथरूम में रख दी, उस पर थोड़ा सा पानी मतलब डाल दी हूँ ताकि वो खुल जाए कुछ अगर लगा हो तो, और उसके बाद उसको धो कर के निकालूँगी। उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, आज जल्दी आ जाएंगे, तो फिर देखते हैं और सब क्या करना है। बट मेरा काम मतलब ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करती हूँ, थोड़ा रुक जाती हूँ, थोड़ा करती हूँ, थोड़ा रुक जाती हूँ, एक बार पानी पी लेती हूँ, एक बार कुछ खा लेती हूँ, एक बार अभी चाय पी रही हूँ, चाय का तो खैर टाइम ही है, तो फिर चाय पी रही हूँ, फिर चाय पीने के बाद एक सीरियल है भाग्य लक्ष्मी जो कि मैं देखती हूँ, तो वो देख लूँगी, उसके बाद फिर वो काम करूँगी, फिर वो करने के बाद फिर डिनर बनाऊँगी। और डिनर में आज पता है दूध फट गया था, तो वैसे जो फट जाता है ना उसका भुर्जी बनाते हैं ना, पनीर भुर्जी, वो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे पास 2 आलू भी है, तो सोच रही हूँ जैसे कि उसका ग्रेवी जैसे तैयार करते हैं ना, उसके बाद उसमें आलू भी भून लेंगे ग्रेवी में, उसके बाद पनीर डालेंगे, तो देखते हैं कैसा सब्जी बनता है, वो थोड़ा अलग बनो, मतलब पनीर भुर्जी में समझो कि आलू भी डालूंगी, तो पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, आई थिंक अच्छा ही होगा, तो वही बनाने वाली हूँ। और रोटी तो पहले वो सब धो धा लूँगी, उसके बाद वो बनाऊँगी, मतलब डिनर बनाऊँगी। हो सकता है तो अभी से मैं इस तरह से बात ना भी करूँ, फिर काम करते हुए ही आप लोगों को मिलूँगी। तो पहले चाय पी लेती हूँ, ये देखिए चाय, और आप लोग भी आई थिंक पी रहे होंगे क्योंकि शाम के टाइम में सभी लोग चाय पीते हैं। शाम क्या 7:15 7:30 हो रहा होगा, तो इतना लेट हो चुका है, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए।